वेटरन एक्ट्रेस, टीवी एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी, जिनका आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से कार्डियक अरेस्ट के कारण जिनका निधन हो गया। आपको बता दें, खबरें ये भी थी कि उनकी काफ़ी टाइम से तबीयत खराब चल रही थी, काफ़ी समय से जो है वो बीमार चल रही थी, जिनको लकवा भी मार गया था। तो वहीं जो है आज उनका दिल का दौरा पड़ने से जिनका निधन हो गया, जो अपने परिवार के साथ थी, जो अपने आखिरी समय में अपने परिवार के साथ रहना चाहती थी, तो वहीं उनका परिवार का कहना था कि वो प्रिवेसी के साथ उनके साथ रह रहे हैं। वहीं आपको बता दें, जगिया टीवी के जगिया यानी बालिका वधू में तो जगिया का रोल प्ले कर रहे थे, जो आजकल अविनाश मुखर्जी जो हैं आजकल ससुराल सिमर के 2 में आरफ का रोल प्ले कर रहे हैं, जिन्होंने दादी सा के साथ जो है जिनमें पोते बने थे जगिया जो हैं, उनका कहना है जो वो काफ़ी इमोशनल होकर जिन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है, उनको याद करते उन्होंने कुछ बातें बोली हैं, जब उनको ये पता चला तो वो काफ़ी शॉक रह गए, बेहद काफ़ी उनके लिए काफ़ी दुखद की बात है, जिसमें वो कहते हैं मुझे अभी अभी खबर मिली है और मुझे बहुत दुख हुआ है, ये हम सभी के लिए काफ़ी दुख की बात है। मैंने व्यक्तिगत रूप से सुरेखा जी के साथ 2 साल तक काम किया है, मैं पिछले कुछ सालों से उनके संपर्क में नहीं हो पाया, लेकिन मुझे पता है कि वो हमेशा अपने काम के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहती थी, काफ़ी अनुशासित से समर्पित रही हैं। वह मुझसे बहुत प्यार करती थी और मुझे अपना लाड़े सर पोता मानती थी। मैं बालिका वधू में भूमिका कर रहा था जब, आगे वो कहते हैं वह सबसे महान एक्ट्रेस में से एक है, मैं अभी भी बालिका वधू की एक्टिंग रखने के लिए उन्हें पुराने वीडियो देखता हूँ, मैं उन्हें देखता हूँ और अभिनय के बारे में ज़्यादा समझता हूँ। मुझे याद है कि मैंने उनसे बालिका वधू के सेट पर पूछा था कि आप इतना अच्छा अभिनय कैसे करती हैं। उन्होंने तभी जवाब दिया, मुझे जो याद है जो जीवन भर मेरे साथ रहेगा वह यह है कि जब हम बालिका वधू की शूटिंग कर रहे थे तब उनके जीवन में उनके पति की एकमात्र व्यक्ति थे। दोपहर के भोजन के समय उसे अपने पति के निधन की खबर मिली, वो दौड़ पड़ी, हालांकि अगले दिन वो सुबह 7 बजे सेट पर भी आ गई, शूटिंग के लिए अपने संवादों के साथ तैयार थी। हर कोई चौंक गया था, वह अब जो है बस आई और बिना किसी झिझक बिना किसी हेजिटेशन के उन्होंने एक्ट करना शुरू कर दिया प्रॉपर तरीके से। मतलब वो अपने काम के लिए इतनी ज़्यादा प्रेरित रहती थी, अपने काम में इतनी ज़्यादा वो मतलब सीरियस रहती थी कि मेरे को अपना काम करना ही करना है। वही हमने उनसे जो सबक सीखते हैं वह यह है कि आपके निजी जीवन में चाहे भावनाएं हैं चाहे जो कुछ भी, वो आपके काम के प्रभावित आपको नहीं करनी चाहिए, काम के बीच में उसको नहीं लाना चाहिए, इसके लिए अगले स्तर पर संपन्न और कार्यनीति की आवश्यकता है। हम आपको याद करेंगे दादी सा। तो इस तरह से जो है अविनाश मुखर्जी ने जो है याद करते हुए अपनी दादी सा को, जो जिनको वो लाड़े सर बोलती थी, सुरेखा सीकरी जी जो हैं अविनाश मुखर्जी को, जगिया का रोल जिन्होंने प्ले किया था बालिका वधू में, काफ़ी अच्छे इनका बॉन्ड बन गया था एक तरीके से, तो उन्होंने इस तरह से याद करते हुए उनके लिए कुछ लाइन बोली हैं। वहीं आपको बता दें अविनाश मुखर्जी आजकल ससुराल सिमर के 2 में आरफ के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है लाइमलाइट में आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रहे हैं। तो हमारी तरफ से जो है दादी सा को, अविनाश मुखर्जी की दादी सा को, और जो है बालिका वधू की दादी सा को, सुरेखा सीकरी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि।